नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम जानेंगे इन्वर्टर की जो आउटपुट है वो हम एक बोर्ड में, जिसमें हमारा फैन, लाइट और सॉकेट है, इसमें कैसे जोड़ेंगे और इसमें आधा सर्किट होगा हमारा जो इन्वर्टर से होगा, आधा सर्किट होगा जो हमारा मेन सप्लाई से होगा। ठीक है, इसमें दो सर्किट बनाए जाएंगे। तो देखते, सर्किट बोर्ड हमने खोला है, इसमें हमारे इन्वर्टर की सप्लाई कौन सी है और मेन सप्लाई कौन सी है यह मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं बताता हूँ आपको इसमें दो सर्किट कहाँ कैसे यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, इसमें अगर आपको पता चल रहा है तो दोस्तों, हमारे पास बोर्ड है जिसमें हमारे 1, 2, 3, 4 बटन हैं। ठीक है, जिन्हें स्विच भी बोलते हैं। एक रेगुलेटर है जो फैन के लिए है, एक सॉकेट है जो हमारे चार्जर, कूलर वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, अब देखिए, हमने इसमें दो सर्किट जोड़े हैं। दो सर्किट कौन कौन से हैं आप गौर से देख रहे होंगे। इस पहले बटन का जो एक तार है रेगुलेटर में गया है, दूसरे बटन का तार कहीं दूसरी जगह गया है, तीसरे बटन का तार, नीला तार कहीं और जगह गया है और चौथे बटन का तार हमारा सॉकेट में गया है। ठीक है ना, ये तो है आउटपुट जो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं आपको, मेरी तरफ को दिखाई दे रहे हैं, मेरे हाथ की तरफ जो दिखाई दे रहे हैं, ये सब आउटपुट हैं। ठीक है, आउटपुट किस जगह है ये कैसे पता लगाएंगे आप, पहले ये देख लीजिए। जैसे ये तार है हमारा नीला तार, इस तार में हम लगाएंगे। देखिए, यहाँ पे अभी नहीं आ रहा है, फेज नहीं बता रहा है। जैसे मैं इसका बटन ऑन करता हूँ, ठीक है, अब देखिए इसके आउटपुट में फेज बताने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे पहले नहीं बता रहा था और यहाँ पे फेज बता रहा है। ठीक है ना, जैसे ही बटन इसका बंद कर दूंगा, ये हमारा फेज बताना बंद कर देगा, यानी कि ये हमारा स्विच का आउटपुट है। स्विच में दो टर्मिनल है, अगर याला आउटपुट है तो याला इनपुट होगा। ठीक है, देखिए इसमें फेज लगातार आ रहा है, हमारा स्विच भी बंद रहेगा इस समय पे। तो यानी कि जो एक इनकमर आ रहा है, एक फेज जो आ रहा है हमारा, एक ये है, इसी के लूप से दूसरा लगा है, देखिए जुड़े हुए हैं आपस में। यही तार आप गौर से देखेंगे तो यही तार, नीला तार, सर जो चौथा सॉकेट है इसमें भी आ रहा है। ठीक है ना, और जो हमारा तीसरा सॉकेट है इसमें एक फेज अलग से आ रहा है, जो लाल तार देखेंगे आप याला। ठीक है, यानी कि इसमें दो सर्किट हैं, एक तो ये नीले तार से जो बन रहा है, जो एक नंबर, दो नंबर और चार नंबर वाले स्विच में जा रहा है। ठीक है, और दूसरा जो सर्किट है वो क्या है, एक लाल कलर का तार है जो सिर्फ तीसरे नंबर वाले उसमें आ रहा है। ठीक है ना, तो इसमें दो सर्किट हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, पहला सर्किट जो नीले तार से आ रहा है ये हमारा इन्वर्टर से आ रहा है। ठीक है, और जो दूसरा सर्किट लाल तार से आ रहा है वो हमारा मेन सप्लाई आ रही है। वो मैं आपको मेन सप्लाई बंद करके भी दिखा देता हूँ, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा अभी इसमें सप्लाई आ रही है जो हमारी मेन है। ठीक है ना, अब मैं मेन बंद करता हूँ आपको। ये हमारा MCU बोर्ड है मेन का, जो हमारे घर में मेन सप्लाई आई है। जैसे मैं इसकी मेन सप्लाई बंद करता हूँ, ये सारी MCU मैंने बंद कर दी है। अब देखिएगा, मैंने मेन सप्लाई बंद की है, उसके बाद हम टेस्टर यहाँ पे लगाएंगे। अब टेस्टर में सप्लाई नहीं आ रही है, यानी कि हमारी मेन कट हो चुकी है। ठीक है, इससे आप पता लगा सकते हैं
ये हमारी मेन सप्लाई कौन सी है और यूपीएस सप्लाई कौन सी है। अब देखिए अभी हमारा इन्वर्टर ऑन है, अभी देखिए इन्वर्टर की सप्लाई हमारी आ रही है, ठीक है, ये हमारा इन्वर्टर है। तो इसी तरह आप भी जोड़ सकते हैं दो सप्लाई। तो दोस्तों एक सर्किट में दो सप्लाई कैसे जोड़नी है, इसका वीडियो भी मैंने आपको पहले बना के दिखाया है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट में उसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो किस टॉपिक में आपको चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।